कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? सर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर बता दीजिए ना। क्या था क्वेश्चन, याद है क्या? सर दो कैपेसिटर था, एक 2 μF का और एक 3 μF का, और एक में 10 वोल्ट था और एक में 5 वोल्ट पोटेंशियल। अच्छा, इसमें निकालना था V1 V2, इस पर पता करना था ना। यस सर, फाइनल पोटेंशियल और दोनों पे चार्ज और हीट लॉस। तो फाइनल पोटेंशियल नहीं आया था, शायद चार्जेस -5 और Q1 Q2 -5 μC था, वही वाला ना? यस सर। सर Q1 ठीक था है, 20 μC और Q2 था 15 μC। ठीक है। जैसे फिगर में अभी क्वेश्चन वही देख रहे हैं, तो फिगर के हिसाब से जो लेफ्ट साइड में देखे थे तो -5 μC आ रहा था, तो वी इज इक्वल टू, जैसे कि ऊपर हम लोग फॉर्मूला निकाले थे तो वी आया था Q1 Q2 C+C2। चलो ऐसे एक बार फिगर बना देते हैं। ऐसा तो शायद -20 μC +20 +15 और -15 यही था, यस सर। ठीक है। इसे अगर हम क्लोज किए थे तो हमें राइट साइड देखे या लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का अगर हम देख रहे हैं तो इधर का हमें Q1 प्लस Q2 कितना दिख रहा है, -5 μC। माइनस तो अगर हम V लिखेंगे तो क्या था, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। C1 C2 शायद ऊपर 2 था और नीचे नीचे 3, 3। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, यानी कि -1 वोल्ट। यस क्लियर सर, है? आई यस। -1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाला जो है हमारा वो निगेटिव पे होगा और ये पॉजिटिव पे, यही मतलब हुआ, यस ठीक है। तो फाइनल चार्जेस अगर देख रहे हैं तो ये 2 का है, तो 2 CV होता है, यानी कि यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3 और इधर +3। देखो इनिशियल भी -5 था, फाइनल भी -5 ही है, लेफ्ट में और राइट में प्लस यस पांच और, ठीक है, यही था आंसर। यस सर। आगे ठीक, और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, सर लास्ट में KVL पढ़ाए थे, KCL KVL। KVL पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर सर्किट घूमते वक्त बैटरी रहे, रेजिस्टेंस रहे या कैपेसिटर चले, यस और इरोडो बना रहे कोई, यस सर। ठीक है, तो उसका कैपेसिटर में जो जो क्वेश्चन करना है उसे लिख देते हैं 101 102 103, मतलब खत्म होते तक 113 117 121 122 23 24 132, ये सब वन ही है, 132 33 141, बाकी सब इरिलेवेंट है तो नहीं करना है, 142 177, यानी खत्म हो जाएगा कैपेसिटर तब तक करना है, 184 188 199 200 और 201 से 205 तक, ठीक है, यस ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और किसी कंसेप्ट या किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है, दोस्त। ठीक है फिर, ठीक है। तो हम लोग केवीएल और केसीएल देखे थे कि
अगर किसी नोड पे देखे तो जितना भी इनकमिंग करंट होगा और आउटगोइंग करंट होगा दोनों का सम अगर हम लोग देखेंगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। और केवीएल देखे थे कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, और अगर लूप में जितने भी अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड हो उनके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हुए चले साइन कन्वेंशन के साथ, देखेंगे कि ड्रॉप जो है बढ़ रहा है घट रहा है उसके अनुसार, तो हमें ओवरऑल एक लूप में जो है पोटेंशियल जीरो मिला था। तो कैसे हम लोग देखेंगे कि घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि हम हायर से लोअर जा रहे हैं या फिर लोअर से हायर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस, वो चाहे रेजिस्टर हो, बैटरी हो, कैपेसिटर हो, आगे चल के इंडक्टर मिलेगा, इंडक्टर हो, कुछ भी हो, और उसके अनुसार हम लोग को लिख लेना है। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हम लोग दो कैपेसिटर कनेक्टेड था उसके लिए तो करे थे, मान लेते हैं कि हमें तीन कैपेसिटर ऐसे दे दे, चार भी दे सकता है, हम तीन ही ले रहे हैं। यहाँ पे C1 है, प्लस माइनस 10 वोल्ट से चार्ज है, C1 है, ये है प्लस माइनस 5 वोल्ट, इसे C2 बोल रहे हैं, C3 है, और ये C2 है, प्लस माइनस 20 वोल्ट, और दे रखा है कि C1 का वैल्यू जो है 1 माइक्रोफेरेड है, एंड C2 जो है C3 के बराबर है, 2 माइक्रोफेरेड है। कह रहा है कि स्विच इज क्लोज्ड, फॉर लॉन्ग टाइम फाइंड चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बोलो, होगा होगा, और कब तक होगा, मतलब सबका कुल इक्वल मिला पोटेंशियल। के, हाँ मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करता है, तो जब तक सब इक्विवेलेंट ना हो जाए तब तक होता रहेगा। तो वही बोल रहा है कि लॉन्ग टाइम यानी कि जब ऐसा हो चुका होगा उस समय चार्ज कितना रहा होगा सब पे वो पता करना है। ट्राई करोगे या बताएं, कोशिश करो, सोचो कुछ भी कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे प्लेट्स आइसोलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है, सब पे इनिशियल चार्ज, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल दो फिगर बनाएंगे। चलो साथ में करते हैं, तुम लोग बोलो हम लिखते हैं। यहाँ पे स्विच ओपन है यानी कि इनिशियल कंडीशन है, ऐसा हमारे पास कैपेसिटर है, जैसे C2 है, ये C1 है, ये C3। C2 पे बोलो कितना कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव की तरफ कितना है, 40 +40, माइक्रो कूलम में होगा, माइक्रो हम यस नहीं लिख रहे हैं, इधर -40, ठीक है। वैसे ही C1 पे इधर टेन +10, टेन इधर -10, वैसे यहाँ पे +10, इधर -10, ठीक है। ये है इनिशियल कंडीशन। अगर हम फाइनल की बात करें, ठीक है, फाइनल है, फाइन नहीं है, जब हम स्विच को बहुत लंबे समय तक क्लोज कर दिए होंगे उसके बाद कंडीशन, ठीक है, क्लोज कर दिए। अब हमें तो नहीं पता कि किसमें कितना चार्ज है, तब मान लेते हैं कि इसमें, इस सर्किट में इधर से इधर क्यू चार्ज फ्लो किया होगा। क्यू अगर फ्लो किया होगा तो इस यहाँ पे कितना आ गया होगा, -40 प्लस क्यू, हम प्लस क्यू लिख रहे हैं, क्लियर है, बोलो, यस सर। ठीक है। यानी कि इस प्लेट से निकल के इस पे आया तो इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर वाले प्लेट में यहाँ पे हमें +40 माइनस क्यू मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यस ठीक है। यानी कि इसमें अब दिख रहा है क्यू ऐसा गया है तो यहाँ पे हमें +10 प्लस क्यू मिलेगा, और इस पे
-10 माइनस क्यू -10 माइनस क्यू, वैसे इस पे आएंगे तो +10 प्लस क्यू, और यहाँ पे -10 माइनस क्यू। ऐसे भी सोच सकते थे कि क्यू चार्ज जो है इस वाले प्लेट से निकल के इस पे गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये वाला दोनों प्लेट्स जो है आइसोलेटेड है, दिख रहा है। फिर इंडक्शन की वजह से ऊपर वाले पे हुआ, फिर इन दोनों चार प्लेट्स को देखेंगे तो वो आइसोलेटेड है। खैर जैसे भी सोचना है सोच लिए कि ऐसा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमें इस क्यू का वैल्यू पता चल जाए तो हमें फाइन चार्ज पता चल जाएगा कि फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है। यस तो इस क्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम लूप घूम लेंगे, केवीएल अभी ने सीखे हैं। अगर हम इस लूप में ऐसा घूम लेते हैं तो सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो मिलेगा। लेट से कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी और ये डी। अगर हम इन लूप बोल रहे हैं, लूप कैसे घूमेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, फिर ए आ जाएंगे, तो एक कंप्लीट लूप हमें मिल रहा है। तो इस लूप में हमें पोटेंशियल ड्रॉप हर एक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिख रहा होगा सबके अक्रॉस लिखना है। तो हमें यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, बस उसी के अक्रॉस लिखना है। फर्स्ट वाले के अक्रॉस कैसे लिखोगे, अब इसमें हायर कौन सा ये तो हमें नहीं पता है ना ही लोअर पता है, तो हम किसी को भी हायर मान सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग बोलो हम किसको हायर माने इस वाले में, फर्स्ट वाले में, ए बी के बीच में कनेक्टेड है तो 40 माइनस फोर्टी क्यू माइनस 40 माइनस क्यू को हम ए से भी जा रहे हैं, ऐसा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये 40 माइनस क्यू है, या -40 प्लस क्यू है। हम इस वाले को बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है, ठीक है। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ के इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि डेल्टा भी लिखना है हमें। तो डेल्टा भी होता है कैपेसिटर के अलोंग क्यू बाई सी, ठीक है, क्यू बाई सी होता है। तो चार्ज हमेशा किसका लेना है, पॉजिटिव प्लेट का। तो यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट किसे माने, तो 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस था 2। अब ध्यान से देखो, तो हम लोअर से हायर गए हैं, किधर से किधर, लोअर से हायर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिख, ठीक है। फिर सेकेंड कैपेसिटर पे आते हैं, तो इस फिगर में देखो सेकेंड कैपेसिटर में हम हायर किसे माने, 10 प्लस क्यू को मान लेते हैं क्योंकि दिख रहा है हमें, तो हम 10 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे। लेकिन हमें अब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, माइनस के साथ, ठीक है। फिर थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे अगर देखेंगे तो 10 प्लस क्यू हमें हायर दिख रहा है और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस प्लस। यहाँ पे हम इसे हम हायर माइनस माने, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर, इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो हायर से लोअर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा, समझ आया माइनस क्यों लिखे, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि ये चीज बहुत जगहों पे यूज होगा, यही नहीं रेजिस्टेंस में भी होगा, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, वहां भी होगा, एसी सर्किट में भी होगा, तो केसीएल केवीएल लिखने आना चाहिए, कहीं भी फंस जाएंगे तो ये रामबाण होगा। इतना में कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। जब ये हो गया तो यहां से हमें क्यू का वैल्यू सॉल्व करना है, तो 40 माइनस क्यू, 2 को हम गायब कर दे रहे हैं, -20 -2 क्यू, -10 माइनस क्यू इजकल टू 0 लिख सकते हैं, 4 क्यू इजकल टू 60 70, क्यू इजकल टू 70/4 माइक्रोकूलम, इतना आ गया। अगर क्यू का वैल्यू पता चल गया तो क्या हमारा हर प्लेट का चार्ज पता चल गया,
यस ठीक है, तो ऐसा हम फिर से एक बार बना देते हैं ताकि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता रहे। फाइनली अगर देखेंगे तो यहाँ कितना था, -40 + 70/4 कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, 40 - 20 70 थोड़े होगा, 40 - 30 10 होगा। ठीक है, 10/4 यानी 2.5 लिख सकते हैं। तो इस पे कितना होगा, -40 + Q यानी कि -37.5, इस पे +37.5 आ जाएगा, सब प्लस है। आ रहा है सब पे? अगर हम दो दो प्लेट्स को यहाँ भी चूज करके देखें, यानी कि जो आइसोलेटेड है ये और इसका अपर, तो पहले कितना आ रहा है, 50। इनिशियली देखेंगे तब भी 40 10 50, इस पे -10 + 10 0, तो इस पे भी कितना है, -10 + -12.5 + 12.5 0, यानी कि जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा जो प्लेट वायर से कनेक्टेड है उसी में ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से देखो तो, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बात क्लियर है इतना? यस ठीक है, तो एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, गलत नहीं करना है, सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना आएगा। -+10 वोल्ट है, -+5 वोल्ट है, -+30 वोल्ट है, और तीनों का 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, फाइनल चार्ज पता करना है स्विच क्लोज करने के बाद। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा पहला किए हैं वैसा ही ये है, गलत नहीं करना है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आ गया, तो
क्या फाइनल चार्ज इश्यू से नहीं आ रहा है और इनिशियल? यस सर, चार्ज यहाँ तक, यस सर, सही। ठीक है, तुम अपने मर्जी से, हम चार्ज का डायरेक्शन सर, इसमें क्लॉकवाइज। सर लास्ट में होगा सर, +10 -Q। अच्छा हाँ ठीक है, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चार्ज मूव कराए हैं, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किधर से किधर जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम जो माने हैं वो सही है, निगेटिव आएगा यानी कि जो हम माने हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इस लूप में घूम लेना है, इन लूप, फिर से ABCD नाम दे देते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? -60 + Q/2। -60 + Q/2। माइनस क्यों, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, हायर से लोअर, हम इसे पॉजिटिव माने हैं तो ये हायर लोअर जा रहे हैं। सेकेंड में +20 - Q ले रहे, ठीक है, -2। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव yes, वाला माने, यानी कि इसको हायर माने, इसे लोअर माने, तो प्लस लिए हैं। थर्ड प्लस 10 - Q/2 ये ले रहे हैं, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, 3Q इक्वल टू 2 2 2 तो गायब हो जाएगा, -60 + 30 यानी कि 30Q इक्वल टू 10 आ रहा है। यस, ठीक है, 10 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब पे कितना चार्ज है ये आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कभी भी स्विच वाले क्वेश्चंस दे तो हमेशा दो कंडीशन लेके चलना है, इनिशियल एंड फाइनल, तो गलती कभी नहीं होगा। इसमें बैटरी भी लगा रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर माइक्रोफेरेड 1, सॉरी, कह रहा है कि ये पॉइंट जो है पी है। ठीक है, और अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, इनिशियली सारा अनचार्ज्ड है, कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना होगा इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं, सबको पता है कि जब हम स्विच को लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखेंगे तो चार्ज जब कैपेसिटर पे फुली चार्ज हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, क्लोज्ड। ठीक है, इसमें हम चार्ज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट में पॉइंट पी का, यानी कि फाइनल से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, जैसे कि हम लोग ऊपर वाले जो क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें हमें चार्ज कितना किससे ट्रांसफर हो रहा है ये चीज पता चल जा रहा है,
तो कभी कभी हो सकता है कि हमसे पूछ दे हीट जनरेटेड कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ, तो क्या हम लोग पता कर सकते हैं? फॉर्मूला पता है हमारे पास, हीट लॉस इक्वल टू पोटेंशियल बैटरी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी सप्लाई कर रहा है कि कंज्यूम कर रहा है वो, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर पे फाइनल टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल कितना था, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसे कैसे करेंगे, कोई बताओ, या ट्राई कर रहे हो? ये सर ट्राई कर, क्या कर रहे हो, मन में क्या इच्छा है कि क्या करें? या फिर क्या करना चाहिए, कुछ तो आ रहा होगा, बताओ। सर सबका पोटेंशियल 30 ले लेंगे। सबका 30? क्यों? नहीं सर, 2 माइक्रो फराड वाला का 30। कैसे लोगे? नहीं, बैटरी है तो 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके दो एंड का डिफरेंस 30 है? अगर ये दो एंड दें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, हम इन इस दो एंड का 30 कैसे कर सकते हैं? बात समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस ठीक है, इसे हम लोग जो है क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड है, जो सॉर्टेड है, शॉर्टेस्ट है उसी से बता रहे हैं, हम लोग नोडल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नोडल मेथड या केवीएल जो भी बोलना है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिख रहा है, क्या तीनों के पोटेंशियल सेम होंगे? होगा, वायर से कनेक्टेड है, तो हम मान लिए कि यहाँ का 0 है, यानी कि लेट हम किए हैं ये सारे चीज, ठीक है नहीं 0 वहां का, अगर पोटेंशियल की बात करें तो 0 नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि चलो 0 है, क्योंकि तो वहां का पोटेंशियल हमें यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहा है कि वहां का पोटेंशियल पार्टिकुलरली है कितना, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर होंगे, इसीलिए हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया। ठीक है, नहीं अगर मन में जैसे रहा हो 0 ही क्यों, तो एक्स ले सकते हो, अपन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कटपुट आ जाएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, आसानी के लिए हमने 0 ले लिया, अगर हम यहाँ 0 लिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई बताएगा? बोलो, लेफ्ट अपर टेन कॉर्नर 10, टेन किसी को दिक्कत? क्योंकि हमें यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड दिख रहा है और इसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, लोअर जो नीचे है वो लोअर पोटेंशियल पे और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है, जैसे हम लोग लिख लिए, वैसे ही राइट अपर कॉर्नर की बात करें तो कितना पोटेंशियल होगा? 30 30। यहाँ पे बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं कितना, बोलो इस पॉइंट का 25 ट्वेंटी 25 या फिर -25? 0 जो है हायर पोटेंशियल पे है, डिफरेंस 25 का होना चाहिए, तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, -25 ना, बात समझ आया? क्योंकि बैटरी का ऐसा है तो ये वाला जो है लोअर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, ये हायर पोटेंशियल, अब हायर जो है 0 है तो लोअर होने के लिए इधर तो अगर ये भी है तो माइनस भी होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसी वजह से हमने ऊपर क्या कर लिया, -25। अब यहाँ पे पी का पता, पी का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो वहां का वीपी मान लेते हैं, ठीक है, अगर पोटेंशियल भाई वीपी होगा, अब क्या करे? तो
अब हम तीनों कैपेसिटर पे चार्ज दे रहे हैं, लेट से इस पे प्लस क्यू वन माइनस क्यू वन, इस पे किधर भी मान सकते हो, कोई हम इधर ही मान लेते हैं क्यू टू माइनस क्यू टू, इस पे प्लस क्यू थ्री तो नीचे वाले पे माइनस क्यू थ्री होगा, ये बात समझ लेना है, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, ये तीन प्लेट्स, ठीक है, ये तीन प्लेट्स, इन तीन प्लेट्स पे पहले चार्ज कितना था, जीरो, तो अभी भी चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक जी है, लिख देते हैं क्वेश्चन में, बाद में पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा। अनचार्ज, ठीक है, तो क्यू इनिशियल जो था टोटल की बात कर रहे हैं, तो ये जीरो है, तो ये हम बोल सकते हैं क्यू फाइनल जो है ये भी टोटल की ही बात कर रहे हैं, ये भी जीरो होना चाहिए। तो फिगर से हमें क्या दिख रहा है, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री शुड बी जीरो। किसी को दिक्कत, यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे करने का ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो सही है, लेकिन सोचने के लिए खराब भी नहीं। इधर से हमने मान लिया क्यू वन चार्ज गया, इधर क्यू टू चला गया, और इधर से क्यू थ्री आया था लेट से, ठीक है, इस पे प्लस माने हैं तो इधर मानेंगे, इधर क्यू थ्री चला गया, तो इसके लिए भी क्या इक्वेशन लिखेंगे, यही आएगा क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो, यानी सेम इक्वेशन हमें मिलेगा, यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा लिए हैं यानी कि इस पे प्लस क्यू वन बोलेंगे या माइनस क्यू वन, इस इधर जा रहा है यानी कि इस पे प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू, इधर जा रहा है यानी प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू थ्री, तो सेम तरीका है, ऐसे सोच सकते हैं या फिर ऊपर जैसा है वैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट लिख सकते हैं ये सोचने तो के लिए। हाँ, केसीएल से भी ऐसा ही होगा। तो वही केसीएल है, ऊपर वाला जो है हम आइसोलेशन मान के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दी, केसीएल भी किस चीज पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेम चीज है, ठीक है, तो दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आइसोलेटेड प्लेट मानकर, मतलब बहुत जगह बहुत बुक्स में ऊपर वाला मेथड मिलेगा, बहुत जगह नीचे वाला मिलेगा, तो तुमको दोनों आना चाहिए जो माइंड में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री का सम जो है जीरो है चार साइन के साथ, तो यहाँ पे क्यू वन का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, माइनस लिखे हैं, तो क्यू वन पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल, एन टू सी लिखते हैं तो क्यू वन लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, टेन माइनस वीपी, वीपी को एक्स ले ले क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, माइनस तो पहले से था, टेन माइनस बीपी इनटू क्या लिखेंगे, क्यू वन, क्यू वन का वैल्यू कितना था, वन माइक्रोफेरेट, ठीक है, किसी को दिक्कत, प्लस क्यू टू, क्यू टू में क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस थर्टी, एक्स माइनस थर्टी क्यों लिए, क्योंकि हायर माइनस लोअर लेंगे इनटू ना दो है टू, प्लस क्यू थ्री के लिए क्या लिखेंगे बताओ, अब तुम लोग एक्स माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, बोलो, ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो क्या दिख रहा है, माइनस 10 माइनस 60 प्लस 25, 70 में से 25 गया 45, इधर 2 × 3 = 4x, एक बार कैलकुलेशन देख लेना क्या इतना ही आ रहा है,
यस किसी को भी कोई भी है तो पूछो। सर, आपका आवाज कट रहा है लो सर, ये जो जो ये 10-1 उसको सर निगेटिव कैसे किए, ये वाला बताइए। हम प्लस की वन किसे माने हैं बताओ। जैसे कि हम यहाँ प्लेट देखो, फिगर में प्लेट दिख रहा है, बोलो यस सर, तो प्लेट में हमें क्या दिख रहा है कि Q1 जो चार्ज है उसको कौन प्लेट लिया है, माइनस वाला। जो तीनों प्लेट लिए हैं तीनों का प्लेट का चार्ज सम होना चाहिए, तो माइनस Q1 लिए हैं, तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वोल्टेज लोअर कौन डीपी है, समझ यस यस गया। तो हाँ माइनस उसके बाद मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ इसका सर, आपका आवाज पोटेंशियल कट था। रहा है। तो अभी भी कट ही रहा है। ये सर अब ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सेम टाइप का है, 10 वोल्ट, 5 माइक्रोफेरेड, 20 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 वोल्ट, 4 माइक्रो फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। ठीक है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। या सर, बैटरी किधर है? सोचो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और कर सकते तो क्यों, ये चीज बताना था इसलिए दिए थे। तो वैसे करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है, वैसे भी कर सकते थे हम लोग, उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता। खैर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ब्रांच में जो भी चार्ज गया होगा, ठीक है, सिमिलर मैनर में ही होगा। स्टेडी स्टेट जब पहुंच गया है तब तो फ्लो ऑफ चार्ज तो रुक गया होगा, यस रुक गया होगा, ठीक है। यानी कि हम इन दो पॉइंट्स की बात करें तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा 20 और प्लस इसके अक्रॉस अगर कुछ भी होगा वही रहा होगा 20 प्लस भी, ठीक है।
तो हम इस कैपेसिटर को उधर रखे या इधर रखे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, कि जब फाइनल सब चीज हो चुका है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आसान करने के लिए हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के अगर रहेगा तो उसके केस में रेजिस्टेंस को तो कभी भी बैटरी के इधर उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज रुक चुका है, अब जो भी है ऐसा सेपरेट हो चुका है, सबके क्रॉस उतना उतना है, और ये एक सीरीज में है, पैरेलल में है, तो इन दो पॉइंट्स को देखे तो इसके बीच में ही रहना चाहिए, पोलरिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम चाहें, अब हमें पता करना है कि सब पे चार्ज कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे चार्जेस के क्रॉस लिख सकते हैं, तो कितना लिखेंगे बताओ। मान लेते सर हैं इधर का जीरो, हाँ मान सकते हैं, तो यस यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस टेन, यहाँ पे माइनस माइनस टेन ट्वेंटी। ठीक है, इधर का नहीं पता है, लेकिन तीनों बराबर होगा तो हम एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम इस पे बोले चार्ज, फर्स्ट वाले पे Q1, सेकेंड वाले पे Q2, थर्ड वाले पे Q3, तो हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं, इधर प्लस Q1, इधर प्लस Q2, दूसरे साइड माइनस होगा, इधर प्लस Q3। तो तीनों प्लस में है, पहले जीरो था, तो बाद में तीनों का सम जो होगा वो जीरो ही रहेगा। Q1 लिखेंगे तो हायर माइनस लोअर, यानी 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, एक्स माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +10 × 5। सर। सेकेंड में वो तो 40 ना हो, कहाँ पे? कहाँ फोर्टी? ठीक नो सर। ठीक है, है, Q2 लिखना हो, प्लस माने हैं राइट लेफ्ट वाले को, तो उसके लिए भी हायर माइनस लोअर करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 है। लास्ट वाला देख रहे हैं तो एक्स को ही हायर माने हैं, तो x·4 लिख दे रहे हैं, 0। यहाँ से आ रहा है 5, 2, 7, 4, 11, 11x = −90। सर एक्स प्लस 20 पॉजिटिव कैसे हुआ? एक्स प्लस 20, ये वाला टर्म, यस सर, वो तो फाइनल, सो हायर से लोअर, तो वो तो यही वाला टर्म पूछ रहे हो ना, x+20 यस सर, कैसे यस सर, हुआ? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम ये बीच वाला कैपेसिटर को ध्यान से देखो, ये प्लस Q1 हम माने, इस पे −Q2 माने, 2 माने हैं, यहाँ पे यस −20 वोल्ट है और यहाँ पे x वोल्ट है, तो Q2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? Q=, क्या होता है, C·V। यस तो C तो हमें 2 पता है, V क्या लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यस Q=, क्या होता है, C·V। डेल्टा V क्या लिखेंगे, हायर माइनस लोअर, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, तो हायर पे कौन है, x, तो x−20 लिखेंगे, x−20 लिखेंगे तो क्या आएगा, यस सर, यस समझ गया, समझ गया ये लिखेंगे, तो ये यस सर, प्लस दो हो बार गया। माइनस आ गया, यस सर। ठीक ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, −90/11। x का वैल्यू आ गया तो क्या हम Q1, Q2, Q3 तीनों पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। Q1 का वैल्यू क्या है, x+10·5, यानी कि −90/11+10·5, x·10 − 90 = 20, 100/11। ये आ रहा Q2 का यस वैल्यू बोलो, Q2 आ रहा है x+, यानी कि −90/11+20·2, 220, −90, 130, 260। 60 पहले में और Q3 ऐसे ही आ जाएगा, x/4 है, यानी कि -, जो
360 बाई 11, तीनों का सम जीरो भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल दिए जाए तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या के धीरे धीरे केसीएल केवीएल और भी सीखना ही है। ठीक है, तो केसीएल केवीएल प्रैक्टिस से ही आएगा, लिखने का तरीका हम बता दिया, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आसानी से लिख सकते हो उसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज। ये बताना पड़ेगा क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन किससे कहते हैं, सबको पता है? यस सर, पता है सबको, अगर इन टू एंड कनेक्शन रहता है तो उसे सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे तीन कैपेसिटर्स हैं, ये ऐसे कनेक्टेड हैं, तो एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, तो ऐसा जब कनेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। तो ये तीन कैपेसिटर्स है C1, C2 एंड C3, और तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, इसे हम मान लेते हैं किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब हम जान रहे हैं कि इधर से अगर Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो हम इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगाएं कि सेम बैटरी अगर हम लगाते हैं तो हमारा चार्ज जो जाए सेम Q जाए, और इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा वो पता कर लें। यानी कि इन तीन कैपेसिटर की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं, उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो यहां से तो हमें दिख रहा है कि सी इक्विवेलेंट जो होगा वो क्यू बाई वी होगा। ठीक है, अब इस सर्किट में आते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर ये सीरीज में जा रहा है तो सीरीज में क्या हर पार्ट में हर कैपेसिटर में सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? यस सर। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा हमें दिख रहा है कैपेसिटर से जितना भी हो, मान लेते हैं कि हम इस पे Q प्लस Q दिए, तो यहाँ पे हमें प्लस Q मिला, दूसरे प्लेट पे ये जा नहीं सकता है क्योंकि बीच में जो है इंडक्शन है, इंडक्शन यानी कोई गैप है, डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा होता है, लेकिन इंडक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस Q हमें नजर आएगा। ये माइनस Q क्यों हुआ, तो इस प्लस क्यू के इंडक्शन की वजह से, और वो माइनस क्यू किधर से घिंचा हो गया ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें प्लस क्यू मिलेगा। वैसे ही फिर यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। तो हमें क्या दिख रहा है कि इन सीरीज चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, चार्ज क्या रह रहा है हर कैपेसिटर पे, सेम ऑन ईच कैपेसिटर। सेम वैसे ही 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम जाता है। ये क्या गया, ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत, बोलो। हेलो, नो सर। ठीक है, तो ये चीज है, यानी कि हमें क्या पता चला कि सब पे चार्ज सेम होगा, यानी कि इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, सबका कैपेसिटेंस अलग है, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा V3। हम लोग KVL से जानते हैं कि अगर घूमेंगे तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप जो है जीरो होना चाहिए, यानी कि V को ले लें तो हम लोग बोल सकते हैं, ये तो फर्स्ट आया, सेकेंड ये क्या आ रहा है बार बार,
सेकेंड अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग बोल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी सप्लाई कर रहा है तो V के बराबर होगा। कौन एक्सेस करना चाह रहा है डेटा? ठीक है, अब बस यहाँ पे लिख लेना है V1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? क्यू बाई सी होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू सेम है तो भाई C1 प्लस कौन है भाई? प्लस V2 के लिए Q/C2 प्लस इसके लिए Q/C3 और V हमारा इक्विवेलेंट इक्वेशन 1 से Q/V दिख रहा है, Q/C इक्विवेलेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से Q Q कट गया, दिस इंप्लाइज इट कि 1C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और भी रहेगा तो ऐसे ही जोड़ते चले जा सकते हैं। यानी कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सी इक्विवेलेंट जो है 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये चीज जो है देखो ध्यान से तो ये सिमिलर टू है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते थे ऐसा ही फॉर्मूला आता था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसा आता था। ठीक है, यानी कि सेम चीज। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं नोट क्या है, ऐसे ही पॉइंट्स हैं। पहला, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज तब C इक्विवेलेंट कितना होगा? N by C नो सर, C by N। C by N ना, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस N टाइम्स, तो ये क्या आएगा N/C। यानी कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। इस चीज का ध्यान रखना, किधर वाला तो कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत लोग और उल्टा करना भूल जाते हैं, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, गलती होता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट C/N आएगा, यानी कि 3 रहेगा तो C/3, 9 रहेगा तो C/9 ऐसा। फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर्स रहे तो सी इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं हम लोग? बोलो, C1 प्लस C2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं हम लोग। तो दो के लिए ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी हमें लंबा चौड़ा सर्किट सॉल्व करना पड़ता है, उसमें दो है तो डायरेक्टली हम लोग इससे निकाल सकते हैं। जैसे 6 और 2 है तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 6 × 2/8 कर देंगे। ठीक है, तो 12/8 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे कैलकुलेशन में हमारा आसान हो जाता है। 3 रहेगा तो अब तो ऊपर वाला ही मेथड यूज करना पड़ेगा 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन 2 रहा तो हम लोग इतना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आया तीसरा। अगर हम लोग देख रहे हैं कि सर्किट से टोटल चार्ज कितना फ्लो करा है तो क्यू, यानी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है क्यू? हियर चार्ज फ्लोन इन सर्किट
इज क्यू, ठीक है। इनिशियली चार्ज जीरो है तो क्यू पहले से होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। खैर क्यू चार्ज हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्लो करा है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, बताओ। बोलो, बैटरी कितना एनर्जी यूवी सप्लाई करा हुआ, क्यू इंटू वी। क्यू जो है सी इक्विवेलेंट आया है, क्यू जो है सी इक्विवेलेंट इंटू वी है, तो इसे हम सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर हम क्यू नहीं पता करें हो तो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर्स में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम हर का एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे C1। तो सारे पे क्या सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, तो हम इसलिए इसे ऐसे लिख रहे हैं Q बाई प्लस 1/2 Q2 बाई C2। अच्छा Q तो सेम है, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ ध्यान से देखे तो क्यू स्क्वायर बाई टू कॉमन हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे दिख रहा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट। क्यू को लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यानी कि हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। किसी को दिक्कत, बोलो। दोस्त यहां से ये बोला जा सकता है कि हीट लॉस क्या हुआ होगा फिर, तो हीट लॉस क्या होगा, बैटरी ने जितना सप्लाई किया उसमें से जितना स्टोर हुआ उसको हम सेपरेट इक्विवेलेंट करें, इनटू 20, ठीक है। यानी कि सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर माइनस हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने पहले कैपेसिटर पे कोई चार्ज ज्यूम नहीं किया है, यानी कि सारे के सारे कैपेसिटर पे पहले इनिशियली चार्ज जीरो था। मे बी क्वेश्चन में तुमसे कहा जा सकता है कि इनिशियली किसी कैपेसिटर पे इतना चार्ज है तो इनिशियल फाइंड निकाल के लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर सकते हो, ठीक है। यस। ये चीज है। नेक्स्ट बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक ही पॉइंट के बीच में अगर हम दो या दो से अधिक अप्लायंसेस कनेक्ट कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में ही तीन कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड है। अब हम चाहते हैं कि इसे अगर हम किसी बैटरी वी से कनेक्ट कर दें तो इससे अगर क्यू चार्ज ट्रांसफर होता है तो हम इस तीनों कैपेसिटर के बदले एक ही कैपेसिटर यूज करें, और ऐसा यूज करें कि हम अगर सेम बैटरी को लगाते हैं तो सेम चार्ज पास करें। तो यहां से हमें फिर से दिख रहा है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इधर क्या है, तो यहां से ये जो चार्ज आया हमें क्या दिख रहा है कि चार्ज यहाँ क्यू आया, क्या तीनों ब्रांच में ये सेम गया होगा, नहीं कह सकते हैं कि नहीं सेम गया होगा। इधर से हम मान लेते हैं Q1, इधर से Q2, और इधर से मान लिए Q3 आया होगा, यानी कि इस पे हमें प्लस Q1 दिख रहा होगा, इधर माइनस Q1, इस पे प्लस Q2, ऐसे माइनस Q2, इधर प्लस Q3, इधर माइनस Q3। एक चीज और, क्या ये दोनों सारे के सारे सेम दो पॉइंट्स के बीच में है तो सबके अक्रॉस का पोटेंशियल अगर लिखना हो तो क्या हम भी बोल सकते हैं, भी ये भी जो है वो भी है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस इच कैपेसिटर,
विल बी सेम, ठीक है। यानी कि अगर पोटेंशियल सारे कैपेसिटर के बीच में सेम होगा तो कनेक्शन कैसा कहलाएगा? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो यहां से देख लो कि अगर हम केसीएल लगाएं अकॉर्डिंग टू केसीएल, क्या क्यू इजकल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री है? क्यू का वैल्यू तो हमें दिख रहा है सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्यू वन कितना दिख रहा है बताओ फिगर से? सी वन इंटू वी। वैसे ही ये कितना दिख रहा है? सी टू इंटू वी, प्लस वैसे ही कितना दिख रहा है? सी थ्री इंटू वी। भी तो कैंसल होता हुआ हमको दिख रहा है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ऐसे ही और भी रहता तो हम लोग जोड़ते जाते हैं। यानी कि ये सिमिलर आ रहा है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में हुआ करते थे तो आर इक्विवेलेंट होता था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। वैसे यहाँ पे हम लोग देखे तो सी इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है? तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि सिंपली हमें जोड़ देना है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसमें एन अगर आइडेंटिकल रहा तो बोलो सी एन एन इंटू सी। दो के लिए क्या ही बताएं? थर्ड, इफ क्यू चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, बैटरी से अगर हम मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हुआ है तो एनर्जी सप्लाइड कितना होगा? क्यू यू वी, क्यू इंटू वी, ठीक है। क्यू इजकल टू क्या था? सी इक्विवेलेंट इन वी, तो यहाँ पे हम सी इक्विवेलेंट इन टू वी एस पर लिख सकते हैं। फिर एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे पोटेंशियल सबका सेम है तो वही यूज कर रहे हैं, सी वन वी स्क्वायर प्लस वन बाई टू सी टू वी स्क्वायर प्लस, ऐसे चलता जाएगा। हाफ वी स्क्वायर कॉमन हो गया तो सी वन प्लस सी टू प्लस चलता रहा, क्या सी इक्विवेलेंट ही दिख रहा है, यानी कि हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, सेम चीज आ रहा है। हीट लॉस कितना होगा? तो फिर से दिख रहा है कि सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हर जगह तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। हीट लॉस में ही गड़बड़ होगा कब? जब इनिशियली चार्ज बोला होगा कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, यानी कि उसके पास पहले से एनर्जी है। तो हम तो ये जानते हैं कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज का लिमिट होता है, लेकिन पहले से उसके पास कुछ है तो हम तो भाई उतना नहीं ना दे रहे हैं जितना उसको चाहिए, हम तो कम ही दे रहे हैं, वो फुल हो जा रहा है। यानी कि कोई गया है बारात में खाने के लिए, पहले से घर से खा के निकला है, तो क्या खाएगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर पैरेलल रहा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट? थर्ड। कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कि जो है कैपेसिटर्स जो है ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये सी वन है, ये सी टू है एंड ये सी थ्री है। हमें इधर से बोल दिया एक क्यू चार्ज जा रहा है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री बताओ कि क्यू वन कितना है, क्यू टू कितना है, क्यू थ्री कितना है। तो एक तो तरीका है कि सी इक्विवेलेंट फाइंड करे, यहाँ का पोटेंशियल वी लिख ले, ठीक है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करे और यहाँ का पोटेंशियल लिख लें। कभी कभी ये चीज आसान हो जाता है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सी भी इक्वल टू क्यू है और यहाँ पे जो है भी कांस्टेंट है, भी अगर कांस्टेंट है तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है,
यानी कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उस पे चार्ज ज्यादा रहेगा, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 जो होगा वो C1 इज टू C2 इज टू C3 होगा। तो यहां से अगर हमें Q1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ, ये लिखते हैं, यहां से आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो कि कैपिटल Q के बराबर है, यानी कि C1 Q/C1 प्लस C2 प्लस C3। किसी को कष्ट, ये चीज तो सबको पता है यहां से ये लिखने, यस ठीक है। सिमिलरली अगर Q3 लिखना हो तो बताओ क्या लिखेंगे, Q2 सर, बस लिखना हो तो C3 आ जाएगा। C3 ऊपर आ जाएगा, नीचे C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू, वैसे ही Q2 लिखना हो तो, ठीक है। ध्यान से देखो तो नीचे वाला जो है सी इक्विवेलेंट है और Q/C इक्विवेलेंट भी है, यानी काम हम वही कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, टाइम सेविंग होगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है, नो सर, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, सी सी टू सी, आ गया पहला 5C/2। C/2। क्या दिख रहा है सबसे पहले, तो ये सीरीज दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, दोनों बराबर है तो इसका क्या आ जाएगा C/2। ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल है, पैरेलल है तो C/2 प्लस 2C कर देंगे, यानी कि 5C/2। सबको दिखा, यस किसी को ना दिखा हो तो पूछ सकता है। सेकेंड, C/2 C/2 नहीं, सेवन यहाँ पे देख, सी बाई थ्री हाँ 7C/3 नहीं, अच्छा हाँ ठीक है 7C/3, बीच वाला सी को हम नहीं ले रहे। ये सीरीज में दिख रहा है, इसका कितना आएगा, देखो टू इसी सी दो है, यानी स्क्वायर बाई थ्री सी कि 2C/3 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका अगर हम देखें तो इसका भी 2C/3, अभी ये दिख रहा है कि 2C/3 2C/3 एंड सी आपस में पैरेलल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2C/3 प्लस 2C/3 प्लस 7C/3। ये 2C/3 कैसे है सबको पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं सीवन सर, सी टू बाई सी सीरीज, वन प्लस सी टू, हाँ सीरीज में है। इसका कितना आएगा,
अच्छा सॉरी सॉरी, ये 3C है सब, ठीक है। हो गया 5C/2। 5C/2। नहीं, ध्यान से देखो, तो ये तीनों आपस में किस में दिख रहे हैं? सीरीज में ये सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी 3C है, 3 से डिवाइड होगा। सी और सी कितना हो जाएगा? 2C। 3/2 पैरेलल है, C/2 CS 2C। 2C और ये 2C मिलके फिर क्या होगा? सी C, और C C फिर 2C। यस और 2C और 2C आपस में क्या है? पैरेलल तो क्या आंसर आएगा? C सी आंसर पर सीरीज में ना आएगा? सी फाइनल सीरीज में ना आएगा? नहीं है। यहाँ के बाद बनाएंगे तो क्या ऐसा बना सकते हैं? ठीक है, ये 2C था, ये भी 2C आ जाएगा, ये C है, ठीक है। यस सर ये 2C 2C मिलके फिर क्या होगा? फिर से C। तो सी C C मिलके 2C, यानी कि हमें अब ऐसा मिलेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी 2C, ये भी 2C। ये दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं? पैरेलल या सीरीज? सीरीज 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 में क्या आएगा? 2C/2, क्योंकि सीरीज में रहता है तो एक सेम है, तो जितना है उतना से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस ठीक है, तो आज इतना ही रहने यस देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी सीरीज सर्किट का सॉल्व करेंगे, सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैसे आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का वही चीज चलेगा, तो सीरीज पैरेलल होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत स्विच वाले और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है? यस ठीक है फिर। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू टू